सीएमसीटी करनाल की पुरानी सब्जी मंडी के इलाके में एक गली के सीवरेज में 6 महीने के भ्रूण के मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। स्वीपर द्वारा गली के सीवरेज की सफाई की जा रही थी, जैसे एक सीवरेज के ढक्कन को खोलकर स्वीपर ने सफाई करनी चाहिए तो उसे सीवरेज में एक भ्रूण मिला। भ्रूण मिलने से आसपास के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भ्रूण को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भिजवा दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जांच अधिकारी ने बताया कि भ्रूण मिलने की सूचना मिली थी, भ्रूण को कब्जे में ले लिया है और कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही डिप्टी सीएमओ को सुपुर्द की जाएगी और उस इलाके में इस दौरान गर्भवती हुई महिलाएं कौन थी उसका रिकॉर्ड भी चेक करवाया जाएगा। हमारे पास सीवर की कंप्लेंट थी भाई साहब, इसकी सीवर खोलने जा रहे थे। अच्छा। शमशान बाग कौन सा है भाई साहब? अंदर से जी, माना थोड़ी पता प्रधान जी क्या 10 बजे की जी। संजय इतला दी कि शमशान बाग में नाले के अंदर से एक भ्रूण निकला है जो करीब 4-5 माह का है, जिसको कब्जा में ले लिया है। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अभी जब तक कोई बात सामने नहीं आती कुछ नहीं कर सकता। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही थी कि एक भ्रूण नाले में पड़ा था और शिविर मैन ने साफ करते उसको निकाला है और जो मौका पर शिविर मैन मौजूद है कार्रवाई कर आपको जानकारी दे दी गई है। चेकअप करवा दिया गया है और अभी पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। नियमानुसार कार्रवाई, आसपास के लोगों ने अब तक कुछ किसी ने मुंह नहीं खोला है, लेकिन इस बारे में खुफिया तौर पर भी और अलग तौर पर भी तस्दीक जारी। आज न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।